माँ बाप बनने का सफर बहुत ही सुहाना, बहुत ही स्पेशल होता है। और वेल, हमारे टली टाउन के सेलिब्रिटीज अलग अलग अंदाज से अपने अनोखे सफर के बारे में चर्चा करते नजर आए हैं। तो आइए चलिए टली चौकर के सेगमेंट मीट द पेरेंट्स में मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एक माता पिता से, जिन्होंने अपनी संतान का स्वागत कर फैंस को दिया था एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने बहुत ही अनोखे अंदाज में फैंस को बताया कि उनके घर में नन्हा राजकुमार आ गया है। याद दिला देते हैं, हम बात कर रहे हैं कसम से एक कलाकार नमन शाह, जिन्होंने अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी को अनाउंस किया दिसंबर 18 को। वो आपको याद दिला देते हैं, 2020 में जहां पूरा देश लॉकडाउन के कारण परेशान था, नमन ने फैंस के सामने ये स्पेशल खबर को रखकर उन्हें और भी ज्यादा स्पेशल महसूस करवाया। ये भी याद दिला देते हैं कि उसी के बाद 24 फरवरी को बहुत ही स्वीट वे में उन्होंने फैंस के सामने अनाउंस किया कि वो बन चुके हैं माता पिता एक बहुत ही प्यारे राजकुमार की। नमन नजर आए थे एक तस्वीर शेयर करते हुए उनकी वाइफ नेहा मिश्रा के साथ, और इस तस्वीर में नेहा ने पहनी है एक ब्लू टी शर्ट और यहीं पर वो नजर आती है नमन को किस करती हुई, और उस पर लिखा था इट्स अ बॉय, 24th फरवरी, न्यू पेरेंट्स, मॉमी डैडी ब्लेस्ड, जूनियर शॉ, टीम ब्लू, बेबी बॉय एंड व्हाट नॉट। जहां एक तरफ दोनों कलाकार काफी ज्यादा हैप्पी नजर आए अपने इस नए फेस को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बताना गलत नहीं होगा कि अभिनेता फैंस के सामने अपने इसी पल के बारे में छोटी छोटी तस्वीरें और ग्लिम्स शेयर करते नजर आए भी हैं। याद दिला देते हैं, नमन ऑल्सो शेयर दैट ही इज गोइंग टू बी अ फादर अपने खुद के ही जन्मदिन पर, क्योंकि वो अपने जन्मदिन के टाइम पर इसी को मानते रहे अपना बेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर। नमन, जिनको आपने देखा था काव्यांजलि में उनका एक्टिंग डेब्यू करते हुए, ही ऑल्सो रोज टू फेम विद कसम से वेयर ही प्लेड ऑफ द रोल ऑफ पुष्कर। इसी के बाद वो नजर आए पॉपुलर शोज जैसे कि क्यों की सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की एंड अ लॉट मेनी अदर्स। इसी में याद दिला देते हैं, नमन की मुलाकात नेहा के साथ हुई थी उनके टीवी शो पर ही। वाल वो नजर आई थी इसी शो में कैमियो करती हुई। वाल इंस्टेंटली दे हिट ऑफ क्वाइट वेल और वो दोस्त बन गए। काफी लंबे समय तक डेट करने के बाद कपल टाइड अ नॉट इन 2017 कोलकाता में। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से कलाकार ने इतने स्वीटली फैंस के सामने अपने इस पल को शेयर किया है, वैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियां बरकरार रहे। टली चौकर संग आप बने रहिए, और नीचे बने कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा नमन की इस बात पर, या ये कहें उनके इस पिता बनने के फेस पर आपका क्या है कहना। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.